हरियाणा में INLG के लिए ये चुनाव अस्तित्व बचाने की जंग भी है। यही वजह है कि चौटाला परिवार के बड़े कुनबे ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। 60 साल से सियासी मैदान में लोहा लेने वाले देवीलाल परिवार से पहली बार एक महिला सदस्य ने भी हुंकार भरी है। इस बार डब्वाली से INLG की उम्मीदवार अजय चौटाला की पत्नी और ओम प्रकाश चौटाला की बहू नैना चौटाला हैं। हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने INLG और चौटाला परिवार के सियासी भविष्य के बारे में उनसे बात की। चुनावी मजबूरियां पारिवारिक रवायतें तोड़ने को मजबूर करती हैं। ऐसी एक रवायत टूटी है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार में। 60 दशक से सियासत कर रहा है ये परिवार, लेकिन कभी कोई महिला इस परिवार की चुनावी मैदान में नहीं कूदी। लेकिन इन हरियाणा के इन विधानसभा चुनावों में इस परिवार की एक बहू भी चुनावी मैदान में है। बात करते हैं नैना चौटाला से। नैना जी, 15 दिन पहले तक आप एक गृहिणी थी, घर संभाल रही थी, अब आप अचानक चुनाव मैदान में कूदी हैं। अब इस चुनाव मैदान में कूदने की मजबूरी क्या हो गई? बिल्कुल, मैं गृहिणी थी और चुनाव में आने की मजबूरी, तो अजय सिंह जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और डब्वाली की जनता की डिमांड पे आई हूँ मैं बाहर घर से। जनता की डिमांड भी थी और मजबूरी भी थी कि आपके ससुर, आपके पति एक मामले में जेल में हैं, आजकल बेल पे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पिछले कई चुनावों में जो वोटर है उसने इसको थोड़ा संजीदगी से लिया है, सीरियसली लिया है। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अगेंस्ट जाएगा? सबसे बड़े चेहरा जो है वो अदालत में केस चल रहा है, आजकल बेल पे हैं। चौटाला साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर 3206 को मैं नौकरी दे के अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो मैं बाहर आने के बाद मैं 4 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अगर इसके लिए भी अगर उनको जेल जाना पड़े तो वो कहते मैं बार बार जेल जाऊंगा। ये भ्रष्टाचार नहीं, आप हरियाणा की जनता से जाके पूछो इस चीज का भी, कैसे लोग उनके लिए जब मैं स्पीच देती हूँ तो कैसे उनकी आंखों से झर झर आंसू गिरते हैं। नहीं, आपको लगता है कि ये सहानुभूति वोट में तब्दील होगा? ये मतलब सहानुभूति क्यों, संघर्ष कर रहे हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए। नैना जी, परिवार के बाद एक मुद्दे की बात पूछता हूँ कि हरियाणा जो सूबा है, इसे बाहर एक इमेज है कि हरियाणा में जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, यहाँ जो मैन वीमेन रेशो है वो बहुत कम है। आप एक महिला होने के नाते अगर आप चुन के आती हैं, आपकी अगर डिसीजन मेकिंग में कोई भागीदारी होती है, तो इस तरह के मुद्दों को आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर लोगों ने मुझे चुना तो बहुत अच्छी बात, अगर मुझे 1% लोगों को लगता है भी मैं इस लायक नहीं हूँ, अगर मुझे ना भी चुना तो मैं फिर भी ये लड़के और लड़कियों वाला मुद्दा मैं जरूर लोगों के बीच में जाऊंगी। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस चीज के लिए शायद मेरा योगदान करें, मेरे साथ होके चले, तो इस चीज को तो मैं वैसे भी उठाऊंगी। शुक्रिया नैना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो नैना चौटाला को लगता है कि उनके ससुर और उनके पति को जो सजा हुई है वो पार्टी के लिए सहानुभूति के तौर पर काम करेगी। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ नीरज गुप्ता, डब्वाली, IBN 7।